हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। तो मैम, सबसे पहले अरबाज फिर से कि इतने यूज बोलते हैं ना, कि इतना यूज व्यू शुक्ला, इतना लोग पसंद कर रहे हैं अरबाज फिर से, कि आपके कैरेक्टर को उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है कि लोग मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, मुझे पर्सनली भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों मेरा काम अच्छा लग रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि मैं जिनकी अपोजिट हूँ सुशांत सिंह के उनकी बीवी में लगनी चाहिए, या फिर वो कन्विंसिंग होना चाहिए वो कैरेक्टर, कि मैं उस पर कितने अच्छे से उसे कर पा रही हूँ। क्योंकि जब मुझे ऑफ़र हुआ था तब मुझे नहीं पता था कि मैं उनके अपोजिट हूँ। बाटला हाउस में मुझे पता था कि मैं रवि किशन के अपोजिट हूँ, लेकिन इसमें मुझे नहीं पता था। फाइनल होने के बाद जब मेरा शूट शुरू होना था, 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं सुशांत जी के अपोजिट हूँ। सो ऑफकोर्स आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड और नर्वस कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम NSD और इतने ग्रेट एक्टर हैं वो। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी, तो सेट पर भी जब तक मेरा उनका सीन नहीं हुआ था मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब फर्स्ट सीन हुआ, आप देखेंगे एक सीन बहुत ही प्यारा है इसके अंदर, तो वो सीन के बाद जब उन्होंने बोला कि अच्छा किया, वेरी गुड, देन मेरा जो एनकरेज मुझे मिला ना उनसे, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद तो फिर स्लोली स्लोली हो गए थे सीन। सो या मज़ा आया उनके साथ काम करके। So, आपका कैरेक्टर एक टाइम लैप्स में जाता है, एक एक जगह पे आपको यंग बताया गया, एक जगह पे आपको बहुत ज्यादा एज बताया गया, 10 साल, 8-10 साल का डिफरेंस है। या तो ये जब ऐसा एक कैरेक्टर आपको मिलता है तो कितनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ जाती है आपकी, आप इतनी यंग हो गए और सडनली आपको एक 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 वेब सीरीज में एक अलग रोल करने का मिलता है, तो ये डिफरेंट वेरिएशन का शेड्स को मेंटेन करना, बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में? सी, पहले जब मुझे ये ऑफ़र हुआ था तब वो शेड्स मुझे बताए ही नहीं थे, वो थे ही नहीं स्क्रिप्ट के हिसाब से, वो कहानी में थे ही नहीं। मुझे जब वो यंगर पोर्शन ही था मेरा, और जब मैं सेट पर पहुंची तो मुझे तब पता चला कि मेरे 2 शेड्स दिखाए जाएंगे, एक 10 साल पहले और एक 10 साल के बाद का। तो चलो 10 साल पहले का तो समझ में आता है, गाँव में भी होता है, आज भी कहीं कहीं होता है, जहाँ पर जो एज में थोड़े हस्बैंड बड़े होते हैं उनकी वाइफ थोड़ी यंग एज की होती है, लेकिन वो मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन उसके बाद मुझे उससे भी ज़्यादा लाइक 37-40 के आप मुझे करीब बना देंगे, तो मेरे लिए मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि वो कैरेक्टर तो मैंने कभी किया ही नहीं था। सो इसीलिए हाँ, वो मेरे लिए एक क्या बोलूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे उस कैरेक्टर को अच्छे से करना है। तो लोगों को मेरा वो रोल ज़्यादा अच्छा लगा, लोगों ने कहा कि वो मैंने बहुत अच्छे से निभाया जो मेरा एज बड़ा है। अभी देखो क्या होता है आगे, रिव्यू तो अच्छे आ रहे हैं, अच्छे ऑलमोस्ट 4 स्टार मिल गए हैं रंगबाज फिर से को, और अच्छी लोगों को पसंद आ रही है। मैं ट्विटर पे देखती रहती हूँ उनके ट्वीट्स एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं रंगबाज को। आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? ऑफ कोर्स सुशांत सिंह। सभी बहुत अच्छे हैं, सबने इतना अच्छा काम किया है कि मैं किसी एक को, पर्टिकुलर एक इंसान को या एक एक्टर को नहीं बोल सकती कि इन्होंने अच्छा किया। हर एक्टर ने इतना ब्यूटीफुल किया है अपने रोल को, तो कोई एक तो नहीं। हाँ, बस सुशांत सिंह, ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया ऑन सेट, एंड वो मेरे अपोजिट है सुशांत सिंह। तो ये एक्सपीरियंस मैंने सच बोलूँ, आई एम सो लकी कि अगर जो भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिनके भी अपोजिट मिल रहे हैं, वो सब इतने अच्छे हैं। नहीं तो ऑफकोर्स मैं उनके बराबर तो अभी हूँ नहीं, लेकिन उनके साथ काम करके मुझे था कि पता नहीं वो अपना एटीट्यूड थ्रो करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी सीनियर, एक्टिंग में भी कमाल के हैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा ना कि आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसे ऐसे अपने अपोजिट जो को स्टार मिल रहे हैं वो इतने अच्छे मिल रहे हैं कि सब बहुत सपोर्टिव है, सब बहुत प्यारे हैं। तो मैम, आपने से बात किया उसके उसमें भी आपको वाइफ का कैरेक्टर मिला था, एंड अभी आपको पता आपका रंगबाज फिर से में शांत सिंह का वाइफ का कैरेक्टर है, तो आपको क्या लगता है कि आपको ऑडियंस वाइफ के रोल में या डायरेक्टर आपको वाइफ के रोल में ज़्यादा पसंद करते हैं? पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अभी शायद देखो मे बी 2020 में मैं इसको ब्रेक करने वाली हूँ। इसी मेरा काम है परफॉर्म करना, मुझे जो कैरेक्टर मिलेगा मैं उसे ब्यूटीफुली परफॉर्म करूँगी अभी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे ब्रेक करके अब कुछ समथिंग डिफरेंट कुछ सामने लेकर आऊँ। अभी तो मैंने एक सीरीज़ की है, दिस इज़ फॉर, इट्स अ न्यू ऐप रैपचिक करके,
OTT प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए मैंने एक वेब सीरीज़ की है द फाइनल जजमेंट, जिसमें मैं एक बार डांसर का मैंने रोल प्ले किया है, वो भी अभी कुछ टाइम पे रिलीज़ हो जाएगी, अभी जस्ट पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है इसका। तो आप जैसे देख रहे हो कि लाइक नई नई जनरेशन का नया रेवोल्यूशन हो गया, पहले अगर आप 5 साल पहले देखते तो वेब सीरीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म ना इम्पोर्टेंस है उतना महत्व को नहीं दिया जाता था, बट आज कल जितने भी बड़े एक्टर्स हो या जो भी थिएटर आर्टिस्ट हो, वो वेब सीरीज के थ्रू ही ऊपर आ रहे हैं और उनका कैरेक्टर और उनकी जो पर्सनैलिटी है ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, लोग उनको ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि पहले लोगों को लोग इतने एक्टिव थे ही नहीं ना, लोगों के पास नॉर्मल फ़ोन थे, आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और सबको पता है मोबाइल कैसे यूज़ करना है, सबको पता है इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, सो सब लोग बहुत स्मार्ट हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया है। सो ऑफकोर्स अब जियो आने के बाद तो इंटरनेट इतना सस्ता होने के बाद तो एवरीबॉडी इज़ ऑन फ़ोन आजकल, तो सबको फिल्म्स के लिए क्या होता है, थिएटर में जाएंगे, उसके लिए पैसे देंगे, स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन सीरीज़ के लिए ऐसा नहीं है, सीरीज़ तो आप घर बैठे बैठे एनी टाइम, अगर आप जब भी फ्री हो, अपना काम फिनिश किया और आप बस सीरीज़ देखने बैठ गए, तो ऑफकोर्स उससे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल रही है और लोग काम फेमस भी ज़्यादा हो रहे हैं OTT। एक्चुअली अभी क्या है कि इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, सबके पास स्मार्टफोन्स है, आप किसी भी इनफैक्ट छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे शहर में भी सबके पास स्मार्टफोन है, तो फिल्म्स के लिए क्या होता है, आपको थिएटर जाना होगा, आपको स्पेशली टाइम निकालना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा मनी आपको खर्च करनी होगी, बट सीरीज़ के लिए ऐसा नहीं है, जब से आपके पास फ़ोन आया है, जब से इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, तब से लोग कभी भी किसी भी टाइम जब वो फ्री हो तब वो सीरीज़ देख सकते हैं, तो ऑफकोर्स इससे हमको भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, हम लोग भी जल्दी फेमस हो रहे हैं और फिल्म वाले सारे लोग OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज़ बना रहे हैं, तो अच्छी बात भी है, सबको मौका मिल रहा है काम करने का। आप कौन से ज़्यादा वेब सीरीज या कौन सा सीरीज़ आप बहुत ज़्यादा देखना पसंद करती है और जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हो उस सीरीज में? एक सीरीज़ मुझे नेटफ्लिक्स पर बहुत अच्छी लगी, द वो विच वन दैट सॉरी दिल्ली क्राइम, मैंने काफ़ी टाइम पहले देखी थी जब दिल्ली क्राइम आई थी सीरीज़, तो वो मुझे सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी और वो केस भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, या दिल्ली क्राइम अच्छी सीरीज़ है, मस्ट वॉच। एंड ऐसे कोई डिजिटल एक्टर जिनको देख के आप बहुत इंस्पायर होती है, लाइक जो अब तक पर्दे पे नहीं आए हैं बट छोटी स्क्रीन में ही डिजिटली उन्होंने अपना बहुत काम किया? पर्दे पे नहीं आए आई थिंक बहुत ही सीज़न 1 में जो साकिब सलीम थे, उन्होंने तो फिल्म्स भी की है लेकिन रंगबाज से उनको ज़्यादा फेम मिला और मुझे भी रंगबाज 1 में बहुत अच्छे लगे एंड मैं पर्सनली भी उनसे मिली थी, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, तो या आई वांट कि उन्हें बिग स्क्रीन पे भी ज़्यादा काम मिलना चाहिए साकिब सलीम को। हाँ भाई, क्रिसमस प्लान क्या है मेरा, ऐसे सोच रही हूँ कि कल आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो सोच रही हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाऊँ और शाम को घर वापस आऊँ। यस, सबको मैं बोलूँगी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, सब खुश रहे, नया साल आने वाला है और रेजोल्यूशन ले कि जो आपने पिछले साल में गलतियाँ की वो अगले साल में ना करें और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, हमेशा स्माइल करते रहें लाइक मी। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।